अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 145। और आज के लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक बेसिक लेआउट ऑफ ऑफिस चेयर विद हेल्प ऑफ डिफरेंट वर्क स्पेस। और इसमें आज हम एक मॉडलिंग करेंगे जो कि हम 3D चेयर की मॉडलिंग करेंगे, और उसके अलावा इसमें हम वर्क स्पेसेस पे और व्यू पोर्ट्स पे काम करेंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफिस चेयर। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हमने जो है तो टॉप की जगह हमने फ्रंट व्यू में काम करना है, फ्रंट पे काम करूँगा। और यहाँ से इसको मैं जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ और यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में ले जाता हूँ, यूसी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करके ओके करता हूँ। ये ओरिजिन पॉइंट में लेके नहीं जा रहा बल्कि ओरिजिन पॉइंट से इसे हटा रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से लाइन देता हूँ एल एंटर। इसका कुछ व्यू आप इस तरह करें, थोड़ा सा एंगुलर लाइन ड्रॉ करें और इसको आप दें 300। जेड स्पेस ए स्पेस एंड एल एंटर। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जिससे आप दे दें 300। ओके, अब जो काम करना है यहाँ पे कार ड्रॉ करें, ए एंटर इस कॉर्नर से। यस, सही है। अब यहां से आपने क्या करना है, जो ऑफसेट लेना है इसका, ओ एंटर ओ एंटर 10 एंटर। एक आर्क ड्रॉ करूंगा मैं यहां से, इस आर्क को मूव करता हूं। इस आर को मूव करता रहूंगा बार बार, मैं एक आर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, बल्कि इसको कंट्रोल जेड करके उसी पोजीशन लेके जाता हूँ। आर्क ए एंटर, बल्कि यहाँ से ए एंटर, यहाँ से आप एक काम करें कि इसको मैं एक तो यहाँ से बड़ा करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको जो है तो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में सिलेक्ट ऑल में करूँगा इसको। ओके, अब मैं आर्क ड्रॉ करूँगा, ए एंटर, मिड पॉइंट से यहाँ तक। अब इस लाइन को ना आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करें, इस आर्क को इसको सिलेक्ट करें और हल्का सा यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा आगे मूव करें, यस। ये लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इसको आप डिलीट करें, कंट्रोल जेड, यहाँ से इसको डिलीट करें। ओके, एक आर्क आ गया। थोड़ा सा पीछे मूव करें, इस आर को थोड़ा सा आगे मूव करें, एम एंटर। ओके, यहां से आप इसको फिलेट एफ एंटर, रेडियस आर एंटर, वन एंटर। यस, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। इसको ट्रिम करें यहां से, इसको यहां से जो है तो ई एक्स एंटर, सॉरी ई एक्स एंटर। ओके, ट्रिम टी आर डबल एंटर। यहाँ से एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ए एंटर, जहाँ पे इस पोजीशन लेके ये यस। और इसको भी हम सी एंटर 2 पॉइंट सर्कल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट,
trim tr double enter, सॉरी टी आर डबल इंटर ट्रिम। यस हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं चेयर एक ड्रॉ हो गया। अब इसको अपने यहाँ से बी ओ एंटर करें, बाउंड्री दें, पिक पॉइंट देखते हैं कि मसले, ज्वाइन करते हैं जे एंटर, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, यस बाउंड्री भी आ गई। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको 3D व्यू में लेके जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से टॉप व्यू में, और टॉप से मैं इसको 3D व्यू में लेके जाऊँगा और इसको मैं प्रेस पुल कमांड की मदद से 300 के फासले में रोटेट कर लूँ, जो है तो मूव कर दूँगा 300। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि सही हुआ है ये ऑब्जेक्ट कि नहीं, रियलिस्टिक व्यू में देखते हैं, और यहाँ पे आई थिंक यस ज़बरदस्त सही ड्रॉ हो गया। ओके सही हो गया। अब यहाँ पे काम करना है हमने कि इसको अब दोबारा रियलिस्टिक से 2D वायर फ्रेम में लेके जाते हैं और यहाँ से कस्टम से टॉप व्यू में लेके जाते हैं इसको, सॉरी फ्रंट व्यू में लेके आएंगे, फ्रंट व्यू में ले आता हूँ और मैं इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम करूँगा। काम क्या है कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, एल इंटर, F8, ओके आर ड्रॉ करता हूँ, ए इंटर, इसी कॉर्नर से और यहां से आप मिड पॉइंट में जाएं और यहां से कार ड्रॉ कर लें, यस सही है। इस आर को थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि मुझे सही तरह से, एम एंटर करता हूँ, थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ से, यस ई एक्स एंटर, डेस्टिनेशन पॉइंट ये, और स्पेस प्रेस करके इसको इससे जोड़ देता हूँ, ट्रिम के लिए टी आर डबल इंटर, ओके ऑफसेट ओ इंटर, 10 एंटर, ट्रिम टी आर डबल इंटर, सी एंटर, 2 पॉइंट एंटर, टी आर डबल इंटर, एल एंटर। अब देखते हैं कि हमारे पास ये सही हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए इसको भी मैं रीजन करता हूँ और मतलब बाउंड्री लेता हूँ, और बाउंड्री के से पहले मैं इसको ज्वाइन करूँगा जे एंटर, ओके 3D व्यू में लेके जाता हूँ इसको भी, ये हमारे पास यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और अब मैं इसको यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं देखता हूँ कि मूव करता हूँ, और मैं इसको मूव करूँगा बाहर की तरफ, मैं इसको करता हूँ 3 एंटर, बल्कि ज़्यादा मैं इसको 10 ही करूँगा, जेड कंट्रोल जेड, 3 कम है, यस सही है। अब मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और इसको मैं 3D व्यू में लेके जाता हूँ और रियलिस्टिक व्यू में लेके जाकर इसको चेक करता हूँ, यस बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास ये बन गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 3D रोटेट कमांड यूज़ करनी है, उसके लिए आर ओ एंटर, आर ओ रोटेट 3D पे क्लिक करें, सॉरी मिरर, मिरर 3D, MI, और यहाँ पे मिरर 3D कमांड है, सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से आप देखें मिरर करें, मिरर के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एंटर। तो यहाँ पे देखिए मिरर भी हमारे पास अप्लाई हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने टॉप इसका व्यू बनाया, अब नीचे हमने व्हील वगैरह भी बनाने, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में बनाएंगे और नेक्स्ट लेसन में जो है तो मटेरियल भी अप्लाई करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।